चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने से पूर्व किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अगला है, संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता के आधारभूत किन्हें संघ बनाने का अधिकार नहीं है? वेश्याओं तथा सैनिकों को। अगला है, दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन पति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला है, बीआर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित कहां से हुआ था? बंबई से। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। अगला है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी एन राव को। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत का मंत्रिमंडलीय सचिव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला है, हमारा अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया था? तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर ने। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में एकता, अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, भारत के संविधान में प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं है, किंतु यह आजादी किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 में। अगला है, किसी एक मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगला है, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में सही वरीयता है? 1, 2, 3। ग्राम सभा, पंचायती समिति, जिला परिषद सही वरीयता है। अगला है, संविधान का 65वां संविधान संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के को वैधानिक दर्जा देने से संबंधित। अगला है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। अगला है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला है, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला है, भारत में किए किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? संसद की अनुमति से। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता है? राष्ट्रपति। अगला है, भारत का 73वां पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। अगला है, राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? उच्चतम न्यायालय में। अगला है, भारतीय संघ के किस एक राज्य का अपना राज्य अलग संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब नहीं है, 2019 में हटा दिया गया है 370 और 35A को। एक बार जरूर आप लोग वो वीडियो जरूर देख लें, पिछला लेक्चर, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी जानकारियों की बात की गई है, तथ्यों की। आपको बता दें, स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस पीसीएस में प्लेलिस्ट में होगा वो, ठीक। अगला है,
फोकेट बिटो के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी बिल को ना तो प्रमाणित करता है, ना ही स्वीकार करता है और ना ही उसे लौटाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसे अनिश्चित काल के लिए विचाराधीन रखता है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया, अनुच्छेद 32 को। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटीमेंट्स, वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा, टी कृष्णमाचारी। अगला, मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित कराने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है, अनुच्छेद 359। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, केटी साहे ने। अगला, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य कर सकते हैं दोनों तरह के। अगला, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया, अनुच्छेद 43। अगला क्वेश्चन है, बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किस पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, उपराष्ट्रपति के। अगला है, आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है, 6 माह तक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, अनुच्छेद 124। अगला है, संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है, भारत के राष्ट्रपति। अगला है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, 3 वर्ष के लिए। अगला है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया, 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को, ये 1976 में हुआ था। अगला, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, कौन सा सदन संसद का अनन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति। अगला है, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग की के गठन की व्यवस्था से। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई, संसदीय प्रणाली। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा किसी किने विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है, संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है, अनुच्छेद 352 में। अगला है, संविधान के किस विधेयक को सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है, केवल राज्य सभा में। याद रखिए, संविधान संशोधन का विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। अगला, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है, निर्वाचन आयोग। अगला, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण कार्य करता है, लोकसभा अध्यक्ष के। अगला, संविधान के मूल ढांचे की संशोधित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस बाद में दी, केशवानंद भारती बाद में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, अनुच्छेद 368 में। अगला है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है, कैबिनेट मंत्री के समान। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अगला है, संघ क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति।
अगला है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला है, लोकसभा सदस्य का अपना त्यागपत्र किसने देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के। अगला, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। अगला, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 356 किस विषय से संबंधित है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त? संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत था, लेकिन अब बता दिया कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को 35 ए हटा दिया गया है। फिर एक बार सलाह देता हूं मैं कि एक बार पिछला लेक्चर जरूर देख लें जम्मू कश्मीर से संबंधित, जो स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस पीसीएस प्लेलिस्ट में शामिल है, उस वहां जाके आप देख सकते हैं। अगला है, हम अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्ति नहीं दी, वरन अपने उसके पद को ही गौरव प्रतिष्ठा से विभूषित किया है, यह विचार किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारत में योजना आयोग किसके निर्देशों के मार्गदर्शन में कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के मार्गदर्शन में। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन प्रावधान है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। अगला है, नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार किसे है? संसद को। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है? विधानसभा में बहुमत दल की नेता के परामर्श से। अगला है, लोक हित याचिका का क्या अर्थ है? जनहित के किसी मामले को किसी न्यायालय द्वारा न्यायालय में ले जाने की। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखिए, निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारे संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर।